एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें 1,00,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया। लगभग दिसंबर तक में आ जाएगा एसएससी जीडी का नया भर्ती 2024 के लिए। इसका एग्जाम होगा जनवरी 2024 में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 के बारे में कि क्या लगता है कि नई भर्ती आएगा एसएससी जीडी 2023 के लिए। तो बिल्कुल हाँ, ये आएगा नहीं बल्कि आ चुका है, ठीक है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें 1,00,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया सीएपीएफ में, और इस बार काफी ज्यादा चेंजेस किया गया है। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। और हाँ, आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ये जो फॉर्म है लगभग दिसंबर तक में आ जाएगा एसएससी जीडी का नया भर्ती 2024 के लिए। इसका एग्जाम होगा जनवरी 2024 में, ठीक है, और 1,00,000 वैकेंसी है। और उधर सीआरपीएफ में भी था हमारा कितना 1,29,000 पोस्ट। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस होने वाला 2023, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसी नोटिफिकेशन में जो है सारा डिटेल दिया गया है कि आपका जो वैकेंसी है 1,00,000 आने वाला है, वो जो कि एसएससी के थ्रू आएगा, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए आएगा। और इसमें जो है पहले क्वेश्चन आते थे हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2024 में, जनवरी के 2024 में, तो 13 लैंग्वेज को और भी ऐड कर दिया गया। चलिए मैं इसको पढ़ करके पहले आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। मतलब पहले जो हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसका जो क्वेश्चन रहता था सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में, तो उससे क्या होता था कि अदर स्टेट के जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते थे, उनका क्षेत्रीय भाषा कुछ और रहता था और क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज कुछ और ही रहता था। तो इस बार 13 जो है क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाया गया है। मैं देख लेता हूँ वो कौन कौन सा क्षेत्रीय भाषा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में तैयार किया जाएगा। तो ये तो 13 हो गया, और हिंदी एक हो गया 14, और इंग्लिश हो गया 15। मतलब 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है टोटल 15 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा वो 15 लैंग्वेज में होगा, जो जिस तरह से कंफर्टेबल होंगे, जिसके लिए जो अप्लाई करेंगे अपना लैंग्वेज के लिए, उसी लैंग्वेज में उनको जो है क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिक्र किया गया है इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनके चयन की जो काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था कि मतलब उनको ये भाषा नहीं आ रहा, वो उसको नहीं आ रहा, तो क्या होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन अब इसको दूर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिक्र कर दिया गया लाखों उम्मीदवार, मतलब कि 1,00,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया जनवरी 2024 में, तो इसका वैकेंसी का हम बात करें तो लगभग दिसंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जिसे बोला जाता है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते। ये तो सही बात है, ठीक है। अब देखिए नीचे में फ्रेंड्स, हिंदी और अंग्रेजी अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। तो इतना आपको कन्फर्म हो गया होगा कि मैं जो बोला था आपको वीडियो में फर्स्ट में, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा दिया हूँ, ठीक। और इस नोटिफिकेशन में इतना ही था, और ये नोटिफिकेशन अगर जो आपको प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको गूगल खोलना होगा, ठीक है। गूगल या क्रोम खोलेंगे, उसके बाद आपको सर्च मारना है PIB, ठीक है। PIB जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो आपको हिंदी वाला खोल लेना, अगर जो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला। फिलहाल मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखने वाले हिंदी के लोग ही होते हैं। और फिर उसके बाद इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको यहाँ पर जाना सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। अब ये लेटेस्ट न्यूज़ में जो है, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो इतना सारा नोटिफिकेशन आया, लेकिन आपको नीचे जाना है, और भी नीचे जाइएगा तभी ये मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे स्लाइड करेंगे तो नीचे में दो पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ परीक्षा आयोजन करने के फैसला की सराहना की है।
तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उससे पहले आपको एक लिंक मिलेगा, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, ओके दबाएंगे तो आपके सामने में ये खुल जाएगा। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अब देखिए पक्का हो गया कि आपका जो है वैकेंसी आएगा SSC GD 2023-24 के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए और इसका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 जनवरी में, ठीक है। और एक और अच्छी बात है जो कि दो लैंग्वेज के अलावा 13 और क्षेत्रीय लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के लिए जिनका जिनका यहाँ पे लैंग्वेज को ऐड किया गया एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर जो आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आने वाला इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।